आपको लोग पागल बना देंगे बहुत आराम से। मेरे बच्चे बहुत वीडियो में आना चाह रहे हैं बार बार। उड़ाता था, लड़ाता था, लूटता भी था मैं। सो हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ पतंग वगैरह लेने, और भैया गोप्रो की बैटरी बीच में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अभी तक जो भी रिकॉर्ड किया सारा चला गया। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 आ गया है, और 2023 में मेरा सेकंड व्लॉग है जो कि आप देख रहे हो अभी। तो गाइस, 2022 सबका अच्छा गया होगा, मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूँ, और 2023 बहुत ही अच्छा हो ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। और गाइस, अभी 2023 में अपन को बहुत आगे जाना है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना यार। वीडियोस जो भी आए देखना, लाइक करना, कमेंट करना, सजेशन देना, और भाई बस प्यार बनाए रखना अपना। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर जो वीडियो देख रहा है, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर की सिटी में, मेन सिटी में जो पुरानी सिटी है चार दीवारी, तो वहाँ पे जो पतंग का मार्केट है मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि जनवरी आ गई है, और यार जनवरी में अगर पतंग नहीं उड़ाई तो क्या ही उड़ाया जयपुर में। जयपुर की मकर संक्रांति आपने कभी देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्रेज़ है मकर संक्रांति को लेके। तो भाई मैं उनमें से पागलों में से एक हूँ जिसको मकर संक्रांति बेइंतहा पसंद है। और मैं भाई बहुत पहले जब बचपन में छोटा था ना, तो मैं सारे दिन पतंग उड़ाता था, और कम से कम एक महीने से पतंग उड़ाने लग जाता था। 25 दिसंबर के बाद तो ये समझो कि डेली पतंग उड़ाता था मैं। 20-25 दिन होते थे मेरे ऐसे जो मैं बहुत ख़तरनाक पतंग उड़ाए, बस सारे दिन उड़ाया करता था, सारा दिन, भले ही कोई उड़ा रहा है नहीं उड़ा रहा है कोई मतलब नहीं है, उड़ाता था, लड़ाता था, लूटता भी था मैं। लूटने का बड़ा शौकीन था, लेकिन उम्र के साथ वो शौक़ तो ख़त्म हो गया, पर जो पतंग उड़ाने का शौक़ है ना वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ, वो तो आज भी उतना ही है। तो अभी घर से बड़ा दूर पड़ता है मार्केट, तो अभी 4:30 बज गए, 4:30 बजे मैं निकला था, पर गोप्रो के चक्कर में, इसकी बैटरी चेंज करने के चक्कर में मुझे लेट हो गया, बिकॉज़ जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो सारा लॉस्ट हो गया, बिकॉज़ मुझे पता नहीं था कि बैटरी में चार्ज कितना है, तो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, कुछ रिकॉर्डिंग हुई देन बंद हो गया वो। तो अभी मैं कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरा कज़न आने वाला है साथ में, तो हम दोनों साथ में जाने वाले हैं। तो अगर आपने अजय को तो देखा होगा पिछली मेरी कुछ वीडियोस में, अभी नहीं पुरानी वाली में, तो अजय आ रहा है, और वो एक डेस्टिनेशन पे मिलेगा मुझे, वहाँ से मैं उसको पिक करूँगा, एंड देन हम लोग साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगे। और भाई सच में मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम, एक साल पूरा निकल गया, और इस साल तो मैंने एक भी पतंग अभी तक उड़ाई नहीं है, तो देखते हैं यार कितना मज़ा आता है। अगर टाइम बचा है ना शॉपिंग करने के बाद, तो एक जगह है जहाँ से हम पतंग उड़ा सकते हैं, तो वहाँ से मैं पतंग भी उड़ाने की कोशिश करूँगा अगर टाइम मिल गया तो, और 2-4 पेच भी लड़ाऊँगा। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा सारी चीज़ें, बिकॉज यार मैं पूरा साल वेट करता हूँ इन दिनों का, 14 और 15 जनवरी, और भाई इस बार तो सैटरडे है 14 का, और 15 को संडे, तो भाई इस बार अच्छा मज़ा आने वाला है पतंग का भी, क्योंकि संडे को बहुत पतंगें उड़ती है, और देखो सामने पतंगें उड़ रही हैं अगर आपको कैमरा में दिख रही हो तो। ये देखो गाइस, जैगुआर एफ पेस, सेक्सी कार। ओके, तो ये रहा जे, हमें मिल गया इधर ही, बैठो बैठे बैठो बैठो, जल्दी बैठो बैठो बैठो। चलूं? तो कुछ लाया नहीं रखने के लिए, सामान तो लाया नहीं कुछ, लेके कैसे चलेंगे पतंगों को, पन्नी वन्नी लेगा तू है?
अब भाई हमें जाना है सीधा, और अभी आधा घंटा, आधा नहीं 15-20 मिनट लग जाएगी अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो, ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो आधा घंटा लग जाएगा। अब मुझे वो वाली शॉप ढूंढनी है जहाँ से मैं हर बार लेता हूँ, उसके लिए मुझे नीचे मार्केट में चलते हैं अंदर। अब यहाँ पे भैया सारे पतंगे ही पतंगे हैं बस यहाँ पे। चलो गाइस मैं पतंग वाली दुकान पे तो पहुँच गया, ये लेफ्ट में है वही है पतंग वाली दुकान जिससे मैं हमेशा लेता हूँ। तो अपन पहले बाइक खड़ी करते हैं फ्रंट में। कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो वहीं से मैं पहुंच गया हूँ आर के पतंग हाउस है ना अपना, आर के पतंग हाउस में। तो पिछले 3-4 साल से मैं यहीं से पतंग लेता हूँ, और अभी भीड़ थी इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। और छोटे छोटे बच्चे मुझे पहली बार मिले यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? अब्दुल आतिफ। आपका? तो भाई बच्चे बहुत क्यूट है। तो भाई अभी पतंग मंजे लेते हैं, भैया को आने दो। तो पतंग वगैरह देखेंगे और मंजे वगैरह देखेंगे, और यहाँ पर तो वैरायटी बहुत है। अगर आप आना चाहो ना तो आ जाना कभी भी, भैया खुद ही मंजा बनाते हैं यहाँ पे। और पतंग की भी पतंगों की भी स्टॉक बहुत ज़्यादा है, जैसी जाओगे वैसे पतंग मिल जाएगी। और ये अजय तीन घंटे का, 2 6-6 घंटे के, और 5 कोड़ी पतंग ये वाली, और ये वाली और पतंग ले रहे हैं 2 कोड़ी। हेलो करो, हेलो करो, सब हाय करो। हेलो देन। तो भाई ये पतंगे ले लिए, पतंगे बांध रहे हैं भैया, अभी ले लिए 7 कोड़ी पतंगे, 7×14 140 पतंगे ले लिए। इसमें 2 कोड़ी है अजय की, बाकी और है मेरी, ठीक है, बाकी मैं उड़ाऊँगा बाकी सारी। सद्दा वेदर हमारे पास पहले चाहिए भैया, ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसको उठाने? तो भाई हेलमेट वगैरह पहन लिया है, सारी चीज़ें ले लिए, और ये है आर के पतंग हाउस। तो भाई ज़रूर आना यहाँ पे एक बार, और भैया मिल ही जाएंगे आपको। तो भाई अभी चलते हैं। ये देखो भाई साहब केड़ा मार्केट, सब पतंगा ही पतंगा। तो भाई यहाँ पे इस मार्केट में आपको जैसा चाहिए ना वैसे वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन आपको लोग पागल बना देंगे बहुत आराम से। सो अगर आपको पतंग मंजी की नॉलेज नहीं है ना, जैसे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मुझे उड़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका, तो मैं थोड़ा बहुत पकड़ लेता हूँ अगर कोई फालतू चीज़ चिपकाता है तो। तो गाइस अभी यहाँ से हम निकलेंगे सीधा घर, और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। ये मैं दूसरी साइड निकल गया सर्कल के,